क्या बिना तुमसे राइट लेफ्ट किए बिना कोई मूवी या फैलाना ही होता है सारा सीरीज बना रहे तो उस पे ना? के उसमें घुसेड़ने में लगे हुए हो वो कहावत सुनिए अगर एक टाइम में दो नाव में पैर रखोगे तो फट जाएगी नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बेताल वेब सीरीज के बारे में जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया टोटल इसके अंदर चार एपिसोड है और हर एपिसोड कम से कम चालीस से बयालीस मिनट तक का है इसे डायरेक्ट किया है निखिल महाजन और पैट्रिक ग्राम ने इसके अंदर कास्ट है विनीत कुमार जतिन गोस्वामी अहाना कुमरा सुचित्रा पिल्लाई और बाकी अन्य कलाकार कहानी पर आते हैं एक ट्राइबल कम्युनिटी का जो एरिया है उसे डेवलप कराने के लिए वहां से एक हाईवे बनाने के लिए कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जो ट्राइबल जो कम्युनिटी है वहां पे एक टनल भी आती है टनल में जो है वो ट्राइबल जो कम्युनिटी उनका ये मानना है कि इस टनल में भूत भूत रहते हैं या फिर यहाँ पे एक श्राप है जो आगे चल के सच भी होता है अठारह में जब क्रांति होती है तो एक कर्नल मुझे नाम याद नहीं आ रहा अजीब सा लॉर्ड जो उसका ऐसा कुछ नाम था तो वो उस टनल में जाता है वहां के उस टाइम में अठारह सौ में लोगों ने उनका विरोध करते हैं और उसी टनल में उसको रोक देते हैं जो कर्नल होता है वो काला जादू में बहुत विश्वास रखता है जब इसको इसके साथियों को और इसको उस टनल में रोक दिया जाता है गाँव वालों के द्वारा अठारह में तब ये काला जादू करता है और बेताल को बुलाता है तो अपनी रूह उसको बेच देता है ऐसा ही कुछ इसमें मुझे लगा कि वो रूह उसने ऐसा सौदा किया है और तब से लेकर अब तक ये जो कम्युनिटी है वो इसकी रखवा

छोटी सी एक टीम भेजी जाती है इन गांव वालों को साइड में हटाने के लिए तो इस टीम को जो है वो लीड करते हैं विक्रम सिरोही जिसे प्ले किया विनीत कुमार ने विक्रम गांव में जाके एक भाषण देता है कहता है सुनो गांव वालों ये जगह अब खाली कर दो तुम्हें एक अलग जगह पे ले जाया जाएगा तुम्हारी एक तुम्हारे लिए एक अलग गवर्नमेंट जो है वो अलग तुम्हें क्षेत्र प्रोवाइड करेगी एरिया प्रोवाइड करेगी ताकि तुम वहां पर रह सको ये जो एरिया है यहां से एक हाईवे निकलने वाला है अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें नक्सल या उग्रवाद समझा जाएगा वाट इू क्या बात है ना क्या डायलॉग है ताली बजाई इसके लिए इस सीरीज़ में जो तो दिखाया गया है जो इस सीरीज़ में जो मिलिट्री है वो पैसे के लिए काम करती है यानी जो जिनके पास पैसे हैं वो उनके लिए काम करती है वो देश के हित में काम नहीं करती उनके पास पैसे होते हैं वो इन लोगों को देते हैं और इनसे अपना काम निकलवा लेती है और लोगों को बेकसूर लोगों को मरवा देती है उनको नक्सली कहवा कर उनको आतंकवाद कहला कर या उग्रवाद कहला कर उन लोगों को इस तरह वो मरवा देते हैं कसम से आर इक्कीस तोपों की सलामी दो इनके मेकरस को इस सीरीज के अकॉर्डिंग मिलिट्री जो है वो किसी को भी नहीं बख्शती छोटे बच्चे हो चाहे वो औरत हो चाहे वो बूढ़े हो उन्हें नक्सलवाद करार दे के उनको वो जान से मार देती है फिर साथ ही साथ एक न्यूज़ चलती है न्यूज में एक आदमी इन लोगों की बात करता है कि वो उन लोगों का एरिया है गवर्नमेंट इसमें जान के इसमें दखल दे रही है उनको उनका हक मिलना चाहिए तो इसे लेफ्ट लिबरल कह इसमें जो एंकर होता है वो इसको लेफ्ट लिबरल कह के पुकारते हैं इसको गाली देते हैं मतलब जो लोगों की भलाई की बात करे जो लोगों के बारे में सोचे उसे लेफ्ट लिबरल कहेंगे बाकी जो है वो राइट हो गया वो सेंटर हो गया वो लोगों की भलाई नहीं सोचते कहने का मतलब तो इसका ये ये हुआ ना? एक ना एक तुम मेकर जब ये कोई मूवी या सीरीज बना रहे हो ना सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाया करो उसमें राइट लेफ्ट सेंटर यह मत क्या करो अगर ये तुम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कोई प्रोपोगंडा ही फैलाने की कोशिश कर रहे हो और अभी बात करता हूं तुम्हारे एंटरटेनमेंट की जो इसमें तुमने दिखाया है एक बात सच बताना तुमने रेजिडेंट रेजिडेंटल से कॉपी किया है क्या मुर्दे चल रहे हैं अगर वो किसी को काट लेंगे तो वो उस जैसे बन जाएंगे तुम दो यार तुम नहीं डरा पाओगे इसमें डर नहीं लगता हाँ कई ऐसे लोगों को डर लग सकता है जिन्होंने कभी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देखा है और वही लोग इस वीडियो को डिसलाइक करने वाले हैं तो अब कहानी जो बच गई उसे पूरा कर देते हैं तो वो टनल खुल जाती है ये मिलिट्री जो वो टनल खोल देती है इन पे लोगों पे हत्याचार करके लोगों पे निहत्ते लोगों पे गोलियां चलाकर इसमें ऐसा दिखाया गया है कि मिलिट्री जो है वो नियहत्थे लोगों पे गोलियां चला देती है उन्हें नक्सल करार देकर तो टनल खुलने के बाद जो है वो कर्नल बाहर आता है उसके चमचे भी बाहर आते हैं इस पर हमला कर देता है इस मिलिट्री जो ये छोटी सी एक टीम होती है इनके ऊपर हमला कर देता है अब कर्नल को क्या होता है कि जो काला जादू में विश्वास रखता है तो अब उसको एक बलि चढ़ानी होती है एक छोटी बच्ची की बलि चढ़ानी होती है और इत्फाकन जो है इस टीम के पास सिविलियन की एक कुछ एक दो तीन सिविलियन होते हैं तो इनको क्या करते हैं कि इनके पास एक बच्ची होती है छोटी सी तो कर्नल जो है इनके पीछे पड़ जाता है इस छोटी बच्ची को लेने के लिए तो फिर कर्नल और उसके चमचे नंगा नाच करते हैं मौत का इस आई की टीम के साथ उनका मिशन यही होता है कि अभी जैसे तैसे इस बच्चे को बचाया जाए दो सुबह होने में कुछ एक टाइम है सुबह होने तक जैसे तैसे रोक के रखा जाए इन चमचों को और लास्ट में विक्रम सिरोही अपनी जान देकर इस बच्चे को बचाता है कसम से जब ये मर रहा था ना तो ऐसी कोई भावना उत्पन्न नहीं हो रही थी ओ हो यार बहुत बुरा हुआ बंदा मर गया रियलिटी में जब ये चीजें चल रही थी ना उस वक्त उबासी आ रही थी अब इस सीरीज के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगा कुछ दो लाइनें दो पंक्तियां मैंने भी कुछ लिखी हैं तुम्हें क्या लगता है नहीं नहीं अरे टीटू यार वो टिकटॉक वाला साउंड दे यार पीछे बैकग्राउंड में तुम्हें क्या लगता है ऐसी हॉरर सीरीज दिखाकर तुम ऑडियंस की आन फाट दोगे तुम्हें क्या लगता है ऐसी हॉरर सीरीज दिखाकर तुम ऑडियंस की आंठ फाट दोगे अबे ढंग से काम कर लो वरना इस इंडस्ट्री में घंटा कुछ उखाड़ लोगे क्या रही? मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा थ्री आउट ऑफ टेन स्टार बाकी अगर किसी ने सीरीज देख लिया तो अपने विचार मेरे साथ प्रकट कर सकता है नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखकर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद